मैं आज तो ये आपको कहने के लिए आया हूं कि जो पुराना हिंदुस्तान जिसके लिए कभी कभी हमें शर्मिंदा होना पड़ता है कि इतने सदियों तक हम गुलाम रहे, लेकिन आज जो हम आजाद हुए हैं वो आजाद हिंदुस्तान के सुपुत्रों का ही कर्तव्य है कि इसको फिर गुलाम बनने न दे और इसको फिर पीछे हटने न दे, आगे हटाना। तो आज दुनिया का ढंग क्या है, उसी माफक हिंदुस्तान को चलना है, तब तो हिंदुस्तान आजाद जिंदा हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। सबने आज प्रार्थना की, ऐसे सब मजहब वाले लोग मोहब्बत से एक दूसरे के साथ जी कर रहे, कोई झगड़ा के साथ न करे। हमारा मुल्क को हमें मजबूत बनाना है, ताकतवान बनाना है, उसमें आप लोग सब साथ दे, उसमें मुझको आप आशीर्वाद दे, तब तो मेरा जिंदा रहना ज्यादा काम की बात है। नहीं तो इसी हालत में मरना सबसे ज्यादा उत्तम है कि जब सब लोग कहते हैं कि आदमी ठीक ठाक बोलता तो कुछ कड़ी बात कहता भी था, लेकिन ठीक है, इसी इज्जत से मरना बहुत अच्छा। और मैं मुल्क के पास यही उम्मीद करता हूँ कि सारा मुल्क इसी के पर चलने वाला है।